तेरे मर गए भैया कोई भी बर्दाश्त को कही भैया भैया ऐसा तो कहीं तो होता। हाँ भैया कोई शियार और कुत्ते रोने की आवाज कर रहे हैं। अस्सी दिनों में भी चाल पहुंचे चाल ए भैया कहाँ से आ रही महाराज ये जाने पहचाने आवाज तो लग रही है। ये महाराज ये तो सरपंच का पुआ है। क्या कहा महाराज कहो मैं पर लाल हो रखा है। भैया मर गई पर बात हो गई। ये पुआ ये तुझे क्या हुआ बहन था तुम्हारी बहन की क्या दशा हो गई। ये क्या कारण है और ये तुमने क्या दुर्दशा बनाई है। मर गई भैया भैया कह क्या कहती हो। अरे कुल में जाए तुम्हारी यह तुम्हारी दुर्दशा पिछले बनाई है। हमारे साम्राज्य में ऐसा कौन सा योद्धा पैदा हो गया जिसे खार और दूषण का भय नहीं है। Thank you.
मेरे
भैया सुन सुनाओ लालू पद लाल से रोटी है पिछड़ी वक्त लालू पद लाल से तो रोटी तक नहीं खा मेरे बहन सुन के रखा हाँ वो बनवासी स्वयं ही मां के मन आ गए फिर क्या करूं तुम्हारी बहन की जो दुर्दशा हो रही है जब तक ये तेरा भाष मिल रहा है तो कोई चिंता न कर ना तो आज करा देंगे कोई बात मैं अभी हम दोनों भाई अभी जाकर लगाते हैं लेकिन उन्हें एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं हाँ भैया है उनके साथ कोई स्त्री भी है बहुत खूबसूरत है मैं इसलिए तो गई कि उस स्त्री को तुम्हारे पास लाऊंगी बहन तुम जाओ और इसका बदला हम कर लेंगे भैया यदि मैं चली गई तो उसका पता कौन बतलाएगा सामने से आसमान पर वो मूर्ति नजर आ रही है मालूम होता है वह राक्षसी अपने हिमायत को लेकर यहाँ आ रही है मुझे उनसे युद्ध करना होगा इसलिए भैया तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ जो आज्ञा हो भ्राता जी भाई ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई बहना क्या वो ये स्थान है जहाँ वो बनवासी अरे भैया मैं बताने तो चाहती हूँ मगर मुझे सुनता ही कौन है मगर मुझे ऐसा लगता है तू तो कह रही थी कोई उनके साथ स्त्री है जी भैया यहाँ पे कोई नहीं किसी के छोटे भाई ने तुम्हारी बहन की दशा करी है भैया
अरे बनवासी बहना, तुम यहाँ पे आराम करो। मैं वापस जाऊंगी। मैं जाओ जाओ बेटा, आदमी में बनवासी शायद ध्यान होगा। आज आज तुम्हारे में तो निकट आ गई है। अरे दोस्तों, यहाँ से चले जाओ। क्या कहता है बालक? नहीं तो बेमौत मारे जाओ। बेमौत? ये तो समय बताएगा कि कौन बेमौत मारा जाएगा। सावधान सावधान हो जा। वही सेनाधारी हो तुम, खासर भी दिखलाए हो। छोटी छोटी सी धनवी वाले पर क्या भी गदा उठाए हम। देना, तुम दुष्टों की छाती छलनी सी कर दूंगा छेद छेद। इस छोटी सी धनवी के द्वारा शीश भेद कर दूंगा मैं। बालक क्या कहता है? आइए हो छेद में पंचवटी, बेस्टाइलर पंचे चाहो तुम। यही दंड देता हूं तुमको, अपने बटी हो चाहो तुम। इसके नाक काट के मेरी नाक पे लगा दिया। शांत रहो। तुझ सा बेशरम न इस दुनिया में। जो पर पत्नी को अपशब्द कहे, ऋषि तपस्वी बनवासी का सुख आज अवश्य हरण कर दे। सावधान सावधान बनवासी, चल और मरने के लिए तैयार हो जा। अभी मरने के लिए तैयार हो जा। मार दे भैया। Thank you.
मुंह की तरह पीस कर नहीं देखे बातों के तीर भी युद्ध में चलते नहीं देखे हर चुमार मुंह रख तेरी बना देता तुझे मुझे उड़ा देता धज दिया तेरी सरकार मेरे बहादुर कौन भैया आ रहा सापारा दे डरपोक को ये हथियार सजाना भी नहीं आता वीरों को कभी बात बनाना भी नहीं आता समझ जा दुष्ट और मरने के लिए तैयार हो जा मरने को तैयार हो जा मार दे भैया इसमें